एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 में हमें गिवन है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट। एक पॉइंट हमें गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 7। ठीक है, -4, 7। ये एक पॉइंट गिवन है, इसको पी का नाम दे देते हैं। और साथ में हमें कहा गया है एंड पैरेलल टू द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है जो कि इक्वेशन है 2x-7y+4 = 0। ठीक है, दो चीज़ें हमें दी हुई हैं। एक तो हमें कहा हुआ है कि एक पॉइंट जो है वो लाई करता है उस लाइन के ऊपर जो हमें रिक्वायर्ड है लाइन। ठीक है, एक इस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। इस इक्वेशन इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -4, 7। और दूसरा हमें कहा हुआ है कि ये लाइन जो है पैरेलल है एक और लाइन के जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है 2x-7y+4 = 0। ठीक है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। और दूसरा इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लाई करे जिसके कोऑर्डिनेट्स है -4, 7। और हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। सही, तो पहली बात तो हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती थी पॉइंट स्लोप फॉर्म में। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी, m(x-x1) = y-y1। सही है, तो इसमें m जो था वो स्लोप, एक तो ये स्लोप चाहिए होती थी। ठीक है, स्लोप चाहिए होती है और एक पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, तो पॉइंट तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दूसरा स्लोप हमें गिवन नहीं है बल्कि हमने वो कैलकुलेट करनी है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे स्लोप, हमें कहा हुआ है कि ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, जिस लाइन की हमें इक्वेशन गिवन है वो लाइन हमारी रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल है। तो उसका मतलब ये हुआ कि दोनों लाइंस की स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो जब दोनों लाइंस की स्लोप इक्वल होंगी तो हम इस लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं, तो वही स्लोप हमारी रिक्वायर्ड लाइन की आ जाएगी। ठीक है, तो इस लाइन की स्लोप हम कैसे निकालेंगे, जिस तरह के हमें पहले इक्वेशंस जो गिवन थी पिछले सवालों में हमने उसमें से स्लोप फाइंड की थी। ठीक है, तो कोफिशेंट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू कोफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ y और साथ में माइनस का साइन। ठीक है, तो ये कोफिशेंट ऑफ x यहाँ पर क्या है 2 डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ y क्या है -7 और साथ में ये 7 माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2/7, स्लोप बन गई 2/7, स्लोप भी आ गई। ठीक है, और साथ में हमारे पास पॉइंट भी हमें गिवन है -4, 7। ठीक है, पी पॉइंट गिवन है, तो अब पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम पुट कर देते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी, m(x-x1) = y-y1। अब यहाँ पर x1 क्या है, y1 क्या है, पॉइंट हम लिखते हैं -4, 7। सही है, इसमें x कोऑर्डिनेट को x1 कह देते हैं, y कोऑर्डिनेट को y1 कह देते हैं। ठीक, अब हम यही जो x1 और y1 की वैल्यू पॉइंट स्लोप फॉर्म में पुट करते हैं और स्लोप की भी वैल्यू m की जगह उसके पुट करते हैं, 2/7 × x तो वेरिएबल है। ठीक है, वो उसी तरह आ जाएगा, उसके बाद माइनस है -x1 की वैल्यू हम देख रहे हैं कि वो -4 है, वो इसमें पुट करते हैं। सही, अब इसके इज इक्वल टू y भी एक वेरिएबल है -y1 की वैल्यू हम देख रहे हैं कि 7 है। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, 2 × x+4 = y-7 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस 7, ये 7 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था तो राइट साइड पे लेकर जाके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर लेफ्ट साइड पे और 7 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x+8 = 7y-49। ठीक है, तो सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले आएँ तो 2x-7y+8+49 ठीक इज इक्वल टू, राइट साइड पे कुछ भी नहीं बचा, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर 2x-7y इसी तरह आ जाएंगे क्योंकि ये हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इन दोनों को। अब +8+49 ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि आपस में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा +57 = 0। ये वो इक्वेशन है जो लाइन हमें गिवन थी जिसके ऊपर पॉइंट गिवन था। ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन है इस क्वेश्चन की। अच्छा, अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 25 में है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू
पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ ए बी। अच्छा, हमें 25 क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि एक तो पॉइंट गिवन है जो कि उसके ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, पॉइंट है 5, -8, सही, ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है यहाँ पर, सही, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 5, -8। और दूसरा हमें कहा हुआ है कि एक परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर है टू द जॉइन ऑफ ए बी, ठीक है, ए बी कोई एक लाइन है, सपोज मैं डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक ए बी एक लाइन है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, ए बी, ये ए बी लाइन हमारी रिक्वायर्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, सही है। तो ए बी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 15, -15, -8, सही, और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 10, 7, सही। अब इसमें हमें क्या चाहिए होता है, देखें हमने तो रेड वाली लाइन जो है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो उसकी इक्वेशन हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही फाइंड करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती थी, m इंटू x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y माइनस y वन, सही है। अच्छा, अब इसमें स्लोप जो कि हमें गिवन नहीं है, ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। दूसरी चीज़ है x1 और y1, x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, सही, x और y कोऑर्डिनेट्स हम पॉइंट के जो के उसके ऊपर उस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं वो हम हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन है, सही है। तो ये हमें स्लोप फाइंड करने की ज़रूरत है, सही है। स्लोप, स्लोप कैसे हमारे पास आएगी, अब यहाँ पर देखें ये लाइन हमें जो परपेंडिकुलर लाइन दी हुई है, ठीक है, ये लाइन हमारी रिक्वायर्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब कि इसकी स्लोप का प्रोडक्ट इसकी स्लोप से लें तो इज इक्वल टू -1 आएगा, सही। तो इसी तरीके से हम यही स्लोप की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं अपने रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप। तो पहले तो हम इस लाइन की स्लोप फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप। परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कैसे आएगी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू y2 - y1 ओवर x2 - x1, मतलब कि वही स्लोप का जो फार्मूला हम पहले यूज़ करते हैं। तो इसमें y2 - y1 x2 - x1 हम खुद से ए पॉइंट पहला पॉइंट ले लेते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट x1, y कोऑर्डिनेट y1 और b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x2 और y कोऑर्डिनेट y2। अब ये वैल्यूज़ इसमें पुट करें और स्लोप फाइंड कर लेते हैं। y2 है 7 माइनस y1, y1 की वैल्यू है -8 डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू हमारे पास है 10 माइनस x1 की वैल्यू है -15, सही। अब इसमें हम इसको सॉल्व करें, 7 + 8 = 15 डिवाइडेड बाई 10 + 15 = 25, 5 × 3 = 15 एंड 5 × 5 = 25, 3/5 वैल्यू आ जाती है स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, ये आ गई स्लोप ऑफ ए बी लाइन, मतलब कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन थी, ठीक है, इसकी स्लोप आ गई। अब इसकी स्लोप का प्रोडक्ट जो है हमारी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप के साथ लें तो इज इक्वल टू -1 आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसका नाम, इसकी स्लोप का नाम स्लोप इज इक्वल टू m1 कह दें और इसकी स्लोप का नाम स्लोप इज इक्वल टू m2 कह दें तो क्या होना चाहिए, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 शुड बी इक्वल टू -1, सही है। मतलब कि m1 का प्रोडक्ट लें m2 के साथ इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। तो m2 की तो वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि क्या ये हमारे पास वैल्यू m2 की वैल्यू हमारे पास 3/5 आई है, तो वो हम पुट कर देते हैं, 3/5 मल्टीप्लाई हो रहा है m1 से इज इक्वल टू -1 आ रहा है, सही है। तो ये हमने स्लोप की प्रॉपर्टी चूज़ की जो कि परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 होता है। अब यहाँ से हम m1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, m1 किस तरह आएगा, m1 इज इक्वल टू -5/3, ठीक है, ये है हमारी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप, ठीक है, स्लोप भी आ गई और हमें पॉइंट भी गिवन है पहले से, तो हम उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में पुट करके। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी, m इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू y - y1,
ये है पॉइंट स्लोप, ठीक है, जिसमें हमारे पास की वैल्यू माइनस वाई बताई हुई है और हमने पॉइंट जो गिवन है उसे एक्स कोऑर्डिनेट को कह दिया, वाई कोऑर्डिनेट को वाई वन कह दिया, तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं एम की जगह माइनस फाइव बाई थ्री इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू फाइव है इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू माइनस एट है, सही। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू वाई प्लस एट मल्टीप्लाई बाई थ्री, ठीक। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू थ्री वाई प्लस ट्वेंटी फोर, ये ट्वेंटी फोर है, सही। अच्छा, अब इसको सब वेरिएबल्स को, सब टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री वाई साथ में प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, सही। अब इसको जो है माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री वाई ये तो इसी तरह आ जाएंगे क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं, कोई और इनके सेम वेरिएबल्स नहीं है जो कि इनमें ऐड हो सकें या सब्ट्रैक्ट हो सकें। प्लस ट्वेंटी फोर माइनस वन इज माइनस प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, और फिर प्लस इसको अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बन जाता है फाइव एक्स प्लस थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये इक्वेशन है हमारी रिक्वायर्ड लाइन की, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर टू टू वाई टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इस लाइन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू दिस, सही है। परपेंडिकुलर टू दिस हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और दूसरा, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ ईच इज थ्री, ठीक है। दोनों के एक्स और वाई इंटरसेप्ट को अगर प्रोडक्ट लिया जाए, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को मल्टीप्लाई करें तो वो थ्री के बराबर आता है, ठीक है। ये चीज़ें हमें गिवन है, मतलब कि एक लाइन है, ये लाइन हमें गिवन है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन है टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री, तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये लाइन हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पर। तो साथ में अब हम इसकी कैसे इक्वेशन फाइंड करेंगे, एक तो है हमारे पास के इसके इंटरसेप्ट्स भी, उनके प्रोडक्ट एक्स और वाई इंटरसेप्ट के प्रोडक्ट जो है इक्वल टू थ्री है। अच्छा, अब यहाँ पर इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कैसे आएगी, ठीक है, सिर्फ जो इसकी स्लोप होगी वो माइनस इनवर्स ऑफ दिस स्लोप होगी, तो हम उसको लिख सकते हैं एक्स प्लस इन जनरल एक्स प्लस टू वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, इंटरसेप्ट्स हैं एक्स वाई इंटरसेप्ट्स, तो वो उसको मैंने जनरल रखा अभी तक सी, ठीक है। अब इसमें ये इक्वेशन कैसे आई है वो हम देखते हैं कि टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री, ये हमें इक्वेशन गिवन थी लाइन की, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसे आएगी, इसको हम पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, सही। अब इसमें स्लोप जो है 2 है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी स्लोप क्या होगी, माइनस वन बाई टू, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस वन होता है, तो इसमें m की वैल्यू अगर m1 और m2 इज इक्वल टू माइनस वन होता है, m1 की अगर वैल्यू 2 है तो m2 की वैल्यू कैसे आएगी, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो m2 टू इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू आ जाती है, ठीक है, वो इसमें पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू एक्स प्लस थ्री, थ्री को मैं c जो है उसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहली इक्वेशन की तरह बना लेते हैं, ठीक है, y को 2 के साथ y माइनस सी या प्लस सी इज इक्वल टू वन बाई माइनस वन बाई टू एक्स, ये बन जाएगा। अब ये माइनस वन बाई टू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि टू एक्स के साथ डिवाइड हो रहा है, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टू वाई प्लस टू सी इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो सब टर्म्स को लेफ्ट साइड पे अगर लेके जाया जाए, एक्स प्लस टू वाई प्लस टू सी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इंटरसेप्ट हैं, उनको सी से मल्टीप्लाई किया, दोबारा सी बन गया इज इक्वल टू ज़ीरो बन गया। ये हमारे पास इक्वेशन बनती है उस लाइन की जो के परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के, ठीक है, गिवन लाइन हमें ये थी, ठीक है, टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो।
इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन मैंने फाइंड कर ली। अच्छा अब ये इक्वेशन तुम्हारे पास आ गई, तो अच्छा अब इसमें हमने इंटरसेप्ट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, क्योंकि हमें गिवन है क्वेश्चन में कि दोनों के एक्स वाई इंटरसेप्ट्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3 है। तो ऐसा करते हैं कि हम पहले इंटरसेप्ट्स फाइंड कर लेते हैं इस इक्वेशन से जो हमने फाइंड की है, जो कि उस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। तो वो कैसे हम करेंगे, जिस तरह के पहले क्वेश्चन में हमने किया कि x को 0 पुट करें तो y इंटरसेप्ट आ जाता है, y को 0 पुट करें तो x इंटरसेप्ट आ जाता है। तो हम पहले x को 0 पुट करते हैं एट x इज इक्वल टू 0, 2y प्लस c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, सही है। तो यहाँ से y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, y की वैल्यू बाकी सब टर्म्स को राइट साइड पे ले जाएं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि 2y इज इक्वल टू माइनस सी एंड y इज इक्वल टू माइनस सी बाय 2। ये आ गया हमारे पास y इंटरसेप्ट। अब हम x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, जैसा कि हमने x y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x को 0 पुट किया है, तो y x इंटरसेप्ट को फाइंड करने के लिए y को 0 पुट कर देते हैं एट y इज इक्वल टू 0 उसी इक्वेशन में, ठीक है। तो x प्लस 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस सी आ जाएगा। तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट्स आ जाते हैं, x इंटरसेप्ट और y। अब ये दोनों इंटरसेप्ट्स तो हमारे पास आ गए, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों के इंटरसेप्ट्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है, मतलब कि माइनस सी जो है वो भी एक इंटरसेप्ट है, इसका प्रोडक्ट माइनस सी बाई 2 से लें वो भी एक इंटरसेप्ट है, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3 है, सही है। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सी अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, यहाँ से आता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6, और अगर c फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट लिया जाए दोनों साइड पे, ठीक है। तो ये बनता है c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6, सही, c की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो थी वो जनरल इक्वेशन थी ये, ठीक है, जो कि उस हमारे गिवन इक्वेशन के परपेंडिकुलर बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू नहीं फाइंड पता थी, तो यहाँ पर हम c की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो कि प्लस माइनस अंडर रूट 6 है, तो वो हम उसमें पुट कर देते हैं, x प्लस 2y x प्लस 2y प्लस सी इज इक्वल टू 0 था, तो प्लस सी इज इक्वल टू 0, अब सी की जगह आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 6 इज इक्वल टू 0, बाकी इक्वेशन वही रहेगी, सही। तो ये वो इक्वेशन हैं दोनों जो कि परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, जो दोनों परपेंडिकुलर हैं गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन के। तो यहाँ से अब दोनों दो कैसे बन रही हैं, एक तो प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ आ जाएगी, तो x प्लस 2y प्लस अंडर रूट 6 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये बन जाती है, और दूसरी इक्वेशन क्या बनती है, x प्लस 2y माइनस अंडर रूट 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो लाइन्स की इक्वेशन है जो हमें रिक्वायर्ड थी, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 26 ख़त्म होता है।